नमस्कार दोस्तों दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जॉब वैकेंसी निकली हुई है। हम लोग इस वीडियो में इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सी सेशन होता चाहिए, किसके अंतर्गत कितनी वैकेंसी निकली हुई है, आवेदन कैसे करनी है तथा पे स्केल क्या होने वाली है इस नोटिफिकेशन का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे के रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निकाली गई है, इसमें कुल पद आपका 590 है। पद का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी सहायक प्रशासनिक अधिकारी। इसके अंतर्गत सामान्य IT चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअरियल राजभाषा के लिए जॉब वैकेंसी निकली हुई है। कौन से पद में कितनी वैकेंसी निकली हुई इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जर्नलिस्ट के लिए आपका 350 पोस्ट दिए गए हैं। IT डिपार्टमेंट में AAO के लिए आपका कुल 150 पोस्ट है। CA में AAO के लिए आपका 50 पद दिए गए हैं तथा एक्चुअरियल डिपार्टमेंट में AAO पोस्ट के लिए आपका 30 पद है और राष्ट्रभाषा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिए कुल 10 पोस्ट निर्धारित की गई है। अब हम लोग इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को जान लेते हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट को जान लेते हैं। पहला आपका है कि अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता केवल स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आप किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट इसी में लिखी है, यानी केवल ग्रेजुएशन वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। IT डिपार्टमेंट में AAO पोस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर MCA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। AAO में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट होनी चाहिए। एक्चुअरियल डिपार्टमेंट में AAO पोस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही साथ उम्मीदवार CT1 और CT5 तथा अदर रिलेटेड एग्जाम्स क्लियर होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा में AAO पोस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत इनमें से किसी एक भाषा में मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही साथ उम्मीदवार का हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत इनमें से कोई एक भाषा ग्रेजुएशन लेवल में होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। उम्र में छूट आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार होगा, यानी SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट होगी, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट होगी, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल। इसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट दी गई है। सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए वेतन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए वेतन आपको 32,795 रुपये मिलने वाले है। चलिए हम लोग एप्लीकेशन फी को जान लेते हैं। एप्लीकेशन फी आपका नॉन रिफंडेबल है। अगर आप SC ST और PWD के कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फी के रूप में देनी है। साथ ही साथ इसमें कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज भी इंक्लूड होगा और इसके अलावा अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो आपको 600 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेशन फीस के लिए पे करनी होगी। एप्लीकेशन फी आप ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं। अब हम लोग इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सिलेक्शन के 3 फेज होंगे। पहला फेज आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के कंप्लीट पैटर्न्स को जान लेते हैं तो इस परीक्षा के लिए आपका समय अवधि 1 घंटे की होगी। इसके अंदर 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी से आपका 35 प्रश्न होंगे 35 मार्क्स के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके 35 प्रश्न होंगे 35 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज एफिशिएंसी से आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मार्क्स का भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। फेज वन आपका क्वालिफाइंग है, इसमें क्वालिफाई करने के लिए SC कैंडिडेट के लिए 16 मार्क्स लाना होगा, अदर्स के लिए 18 मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन में क्वालिफाइंग के लिए SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट के लिए 9 मार्क्स रखी गई है तथा अदर कैटेगरी के लिए 10 मार्क्स रखी गए हैं, यानी आपको सेपरेट क्वालिफाई करना होगा इन पदों के लिए। उसके बाद आपको फेज टू से गुजरनी होगी। फेज टू आपका डिपार्टमेंट के अनुसार से होगा, यानी आपने जिस डिपार्टमेंट से आवेदन किया है उस डिपार्टमेंट के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे फेज टू में। उसके बाद फाइनल फेज थ्री आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम्स आपका ऑनलाइन बेस्ड हो गया, यानी CBT बेस्ड एग्जाम्स आपको देने हैं। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, साथ ही साथ जानेंगे कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन के लिए गाइडलाइन को बता देते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। आवेदन करने का ऑफिशियल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारियों को भी जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आपका 2 मार्च 2019 है।
ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि आपका 22 मार्च 2019 होने वाले है। पीटी के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संभावित तिथि 22 अप्रैल 2019 होने वाली है तथा परीक्षा की संभावित तिथि आपका 4 या 5 मई होगी और मेन एग्जाम का संभावित तिथि 28 जून 2019 होने वाली। यह एक संभावित तिथि है, जरूरी नहीं कि इसी तिथि में आपका एग्जाम्स हो जाए। आशा करता हूँ कि आप इस नोटिफिकेशन से संबंधित सभी जानकारियों को जान गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी समस्या होगा, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप से हो, या फिर किसी भी तरह का डाउट होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अधिकतम कैंडिडेट जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।